हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी दोस्तों और बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन है भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनएकेडमी पर, जहां पर आपको मेरे साथ साथ कई टॉप एजुकेटर भी इस मंच पर हैं, जिनसे आपको पढ़ने का अवसर उपलब्ध हो रहा है। मैं विपिन मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ यूनिक आईएएस इंस्टीट्यूट प्रयागराज। मैं पिछले 7 वर्षों से अधिक समय से दिल्ली तथा प्रयागराज की विभिन्न संस्थाओं में ज्योग्राफी ऑप्शनल एवं जीएस पेपर तथा एनवायरनमेंट की क्लासेस लगातार ले रहा हूं। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सभी लोग बेटा सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि वो सभी बच्चे बेटा क्लासेस को अटेंड कर पाए जो क्लासेस पर डे बेटा कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, चलें। यहाँ पे एनुअली प्राइस हाइक बेटा, फर्स्ट प्राइस हाइक ऑन 9 दिसंबर 2021, मिस 9 दिसंबर को प्राइस बेटा बढ़ने वाली है। तो अभी आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप लोग इस सब्सक्रिप्शन लेकर के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक संडे को सुबह 11 बजे अनएकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जिसमें आपको बेटा 56 क्वेश्चन करना होगा 60 मिनट में। स्कॉलरशिप फ्रॉम ए पूल ऑफ 4 करोड़ रुपए प्लस एंड अवेलेबल हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों माध्यमों में उपलब्ध होता है। यहाँ पर एनरोल होने के लिए आप हमारे कोड BPIN10 के तहत एनरोल हो सकते हैं, ये हमारा कोड है। फ्री टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी, जिसमें आपको उपलब्ध कराया जा रहा है अनएकेडमी कॉम्पैट, जिसमें 60 मिनट में 56 क्वेश्चन करने हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध होगा। T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज दिसंबर, जिसमें आपको 15 MCQ 15 मिनट्स में, लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0, और इस प्रोग्राम के तहत भी आप 15 MCQ 15 मिनट्स में आपको कराया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, मंडे टू फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे। ये जो सेशन 7:30 बजे शाम को, और ये मॉर्निंग में 10 AM पर होगा। ऐसे बच्चे जो सपना रख रहे हैं मैं आईएएस बनना है, ऐसे बच्चे जिनका सपना है कि मुझे आईएएस बनना है, उन बच्चों के लिए अनएकेडमी अब लाई है लोन की सुविधा और अप्रूवल इन 2 आवर्स, 0% इंटरेस्ट रेट एवं नो प्रोसेसिंग फीस, मिनिमल पेपर वर्क एंड फ्लेक्सिबल टेनर के साथ ये सुविधा आपको दी जा रही है। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको अलग से दी जाएंगी। यदि प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं BPIN10, ये हमारा रेफरल कोड है BPIN10। BPIN10 यूज करने पर 10% की छूट मिलेगी, और 10% की छूट के बाद 1 वर्ष की फीस 44,550 रुपये, 2 वर्ष की फीस 64,800 रुपये एवं 3 वर्ष की फीस 81,000 रुपये होगी। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अप्लाई कोड मीन्स BPIN10, यहाँ पर आपको अप्लाई कोड करना है BPIN10। यदि रेफरल कोड BPIN10 का यूज जैसे ही आपको करेंगे, आप 10% की छूट मिल जाएगी VIPIN10, और 10% की छूट के बाद जो 1 वर्ष की फी है वो 67,050 रुपये, 2 वर्ष की फीस 1,04,175 रुपये एवं 3 वर्ष की फीस 1,38,375 रुपये होगी। ऑप्शनल की फीस 27,500 रुपये है BPIN10। हमारा यहाँ पे कोड है BPIN10, यूज करने पर 10% डिस्काउंट 24,750 रुपये, 2,063 रुपये पर मंथ। 8 दिसंबर से 1 वर्षीय एवं 2 वर्षीय बैच स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों माध्यमों में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे साथ सभी बच्चे बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा शिव गणेश, नीतू एंड रीता, सभी बच्चों को गुड इवनिंग बेटा। चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो बात है वो भारत में वर्गीकरण, भारत में किसका वर्गीकरण, तो मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल्स ऑफ इंडिया, भारतीय जो मृदा है इसका वर्गीकरण। हाँ जी बिल्कुल बेटा, सभी लोग बेटा सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ताकि इस सेशन का लाभ सभी बच्चे उठा सकें। चलिए बेटा, यहां पर देखिए कि पिछली सदी में भारत की मृदा के वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए, और इन प्रयासों में भारतीय मृदाओं का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण जो हुआ ये वेलकर और लीदर महोदय द्वारा ये किया गया 1898 में।
1898 में इसका वर्गीकरण किया जाता है, भारतीय मृदाओं का, इंडियन सॉयल का क्लासिफिकेशन किया जाता है, और इन मृदाओं के अनुसार, इनके अनुसार भारतीय मृदाओं को चार वर्गों में विभाजित किया गया। ये चार वर्ग बहुत ही बड़े जिनमें आपका है, पहले जिसे आप जलोढ़ मृदा कहते हैं, जिन्हें एलुवियल सॉयल कहा जाता है, रेगुड़ मृदा जिन्हें काली मिट्टी के नाम से, ब्लैक सॉयल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी जो मिट्टी का नाम है वो है रेड सॉयल, और चौथी जो मिट्टी है फोर्थ वो लेटराइट मिट्टा। जो लेटराइट मिट्टी है, जो लेटराइट सॉयल है, तो यहाँ पर ये किसके अनुसार है, अकॉर्डिंग टू लीदर एंड द वेलकर, इनके अनुसार भारतीय मृदाओं का चार वर्गीकरण किया गया। उपरोक्त वर्गीकरण के पश्चात भारत की मृदा के कई और वर्गीकरण भी प्रस्तुत किए गए। विभिन्न जो वर्गीकरण है ये कई गठन को लेकर, टेक्सचर को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर, रंग को लेकर, पीएच वैल्यू को मान करके, प्रोसिटी इत्यादि तत्वों को आधार माना गया। यदि हम कहें एक शब्द में कहना हो तो हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए टेक्सचर की बात ये होती है कि गठन, किसी भी मिट्टी के गठन में किसकी भूमिका है, और मिट्टी के गठन, कोई भी मिट्टी का गठन कहें तो मुख्यतः तीन, सैंड, सिल्ट और क्ले से होता है। दूसरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जब कोई मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और भुरभुरी होने के बाद या कोई मिट्टी सूखने के बाद जिस रूप में टूटती है, जिस संरचना का निर्माण करती है, वो एक संरचना का स्ट्रक्चर होता है, उसे पेड का नाम से जाना जाता है। पीएच मिस होता है, पीएच की वैल्यू मिस पोटेंशियल, यहाँ पे उपस्थित हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सी आयन, ये पीएच वैल्यू बताते हैं कि कौन सी मिट्टी अम्लीय है, कौन सी मिट्टी क्षारीय है, कौन सी लवणीय है, कौन सी न्यूट्रल है, उदासीनता की स्थिति में है। इन सब को आधार मानकर कई तत्वों को आधार बनाया गया है, और अखिल भारतीय मृदा, यहाँ पे पॉइंट समझो बेटा, अखिल भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1956 में भारतीय मृदाओं को इंडियन सॉयल को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया, जिन्हें मुख्यतः 6 प्रमुख और 11 उपवर्गों में विभाजित किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1963 में भारत की एक मृदा मानचित्र प्रकाशित की गई एसपी राय चौधरी के पर्यवेक्षण में, जिसमें भारत की मृदा को 7 समूहों में विभाजित किया गया, 7 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हाल के वर्गीकरण में भारत की मृदाओं को निम्न 10 मृदा समूहों में विभाजित किया गया, मीन्स अलग अलग समूह, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग समूहों में इसे विभाजित किया गया। लेकिन सर्वमान्य जो अवधारणा है वह है जिस वर्तमान में प्रस्तुत किया, जलोढ़ मृदा। दूसरी जो प्रमुख मृदा है वो लाल मृदा है। तीसरी रेगुड़ मृदा या रेगर भी कहते हैं, मरुस्थलीय मृदा, लेटेराइट, पर्वतीय, लाल काली, भूषर एवं भूरी, अंतर पर्वतीय, हिम क्षेत्र एवं अन्य मृदाएं। तो इस प्रकार मुख्यतः 10 वर्गों में इन्हें विभाजित किया गया है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, तो आप यहां से इस बिंदुओं पर विशेष फोकस रख सकते हैं। अब चलते हैं आखिर में जलोढ़ मृदा कौन सी होती है। नाम से बेटा जलोढ़, ऐसी मिट्टी या वो मिट्टी जिनका निर्माण नदियों द्वारा अपवहित या नदियों के अपवाहन के फलस्वरूप हुआ है, ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। या जिन मिट्टी का निर्माण नदियों के बहाव से, नदियों के अपवहन के फलस्वरूप हुआ है, ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जैसे भारत में जो जलोढ़ मृदा है, इस जलोढ़ मृदा का विस्तार 143.4 मिलियन वर्ग हेक्टेयर में है, जो भारत की सकल सूचित मृदाओं की क्षेत्रफल 4, ये बेटा आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल कितना है, तो जो मृदाएं हैं उसका 43.36% है, जिसमें जो जलोढ़ मृदा मुख्यतः सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है। ये नर्मदा एवं तापी नदी की घाटियों, पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानों में भी विद्यमान है। जो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं बेटा, ये जो है विभिन्न नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के फलस्वरूप जिस मिट्टी का निर्माण होता है, ये सभी मिट्टी आप देख रहे हैं, इन्हें जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये आप जो देख रहे हैं इसी मिट्टी को, दिस इज एलुवियल सॉयल, आप इसको देखिए बेटा। जो बच्चे इस फिगर को भी साथ में देखना है और रिटर्न को भी देखना है,
ये जो आप देख रहे हैं ये सॉयल जो है इन्हें ही कहा जाता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जो मृदा है वो हिमालय की, जब नदियां हिमालयी नदियां जब अवसादों के या हिमालयी जो नदियां हैं वो अवसादों अपक्षय एवं अपरदन के फलस्वरूप अवसादों का अपवहन की और इसी अवसादों के फलस्वरूप जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। तो जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेप से बनी है या फिर सागर द्वारा पश्चगमन या पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए अवसाद से हुआ है, अवसाद के फलस्वरूप हुआ है। इनका रंग हल्के भूरे से लेकर के भस्मी भूरे तक है और इनका गठन बलुआ से लेकर सिल्ट दोमट सिल्टी लोम तक है। ये मृदाएं उच्च और निम्न दोनों तरह से अपवहित तो होती हैं। जो जलोढ़ मृदा है ये उच्च और निम्न दोनों तरह से अपोहित होती है। यदि इनके हम प्रोफाइल पे चर्चा करें तो इनका प्रोफाइल अपरपक्व है, मीन्स जहां लहरदार क्षेत्रों में अपरपक्व है वहीं समतल क्षेत्रों में पूर्ण विकसित और परपक्व होता है। सॉइल प्रोफाइल क्या है? हमने आपको बताया था बेटा कि मृदा प्रक्षेदिका का मतलब है कि यदि हम मिट्टी को खोदें, यदि हम गड्ढा खोदें तो विभिन्न परतों की एक स्थिति मिलती है, विभिन्न होरिजन्स ऊपर संस्तर मिलते हैं और इन संस्तर की एक पूरा तंत्र पूरा जो प्रक्रिया मृदा प्रक्षेदिका कहलाती है। और इन मृदाओं को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, दिस इज खादर और दिस इज बांगर, या भांगर या बांगर मुख्यतः कहते हैं। खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है, जो पुरानी जलोढ़ होती है पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से तथा नवीन जलोढ़ को हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। अब कुछ बच्चे सर मुझे दोनों में मुझे कंफ्यूजन है बेटा, खान आप लोगों को खान शब्द प्रयोग, खादर नवीन, जैसे मैदानी क्षेत्रों के निम्न भागों में, यहाँ पे खान मीन्स जलोढ़, निम्न भागों में पाई जाने वाली यह मृदा वर्षा काल में बार बार बाढ़ की चपेट में आती है। जैसे हमने शब्द कहा नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ का मतलब बार बार जब बाढ़ की उसमें आएगी तो नवीन जलोढ़ का यहाँ पर नवीन जलोढ़ होगा, और बाढ़ के कारण इस मृदा पर बराबर ही नए जमाव होते रहते हैं जिससे इनकी उर्वरता बनी रहती है। शुष्क क्षेत्रों में इस मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषाओं में रेह कल्लर थूर नामों से भी जाना जाता है। बेटा ये नाम आपको याद रखना है। शुष्क क्षेत्रों में इस मृदा में लवणीय एवं क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं जिन्हें क्रमशः रे कल्लर और थूर के नाम से। इस मृदा में ह्यूमस की अधिकता इसमें नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। बिल्कुल बेटा। एंड नेक्स्ट बिंदु, एक मिनट हम आप लोगों का कमेंट देख लें बेटा। शिव गणेश गुड इवनिंग बेटा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, और सब बच्चे बेटा कमेंट करके हमें जवाब दीजिए, कौन यहां तक कोई समस्या तो नहीं बेटा किसी को, ये सभी बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे। चलें बिल्कुल, दूसरा एक महत्वपूर्ण जलोढ़ मृदा का दूसरा रूप है बांगर मृदा या भांगर। बांगर में होता है पुराने जो जलोढ़ होते हैं ये पर डे या प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित नहीं होता है। कहीं कहीं कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ भी पाए जाते हैं। यह मिट्टी गेहूं चावल मक्का दलहन गन्ना की दृष्टि से उपयोगी है। चलते हम देखते हैं, ये बाढ़ के स्तर के ऊपर की मृदा है, यहाँ साधारणता बेहतर अपोहित होती है। इसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं। इस मृदा का गठन टेक्सचर दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी तक हो सकती है, मीन्स दोमट से लेकर के और चिकनी मिट्टी तक हो सकती है। भांगर मिट्टी में यदा कदा कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ पाए जाते हैं। यह गेहूं चावल मक्का गन्ना दलहन तिलहन चारा फसल फल एवं सब्जी की उपज के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। कि ये जो मुख्यतः मिट्टी है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हाँ जी बिल्कुल बेटा। एंड नेक्स्ट बिंदु, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ह्यूमस चूना फास्फोरिक अम्ल जैविक पदार्थों की प्रचुरता एवं पोटास की कमी होती है, पोटास की यहाँ पर कमी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण एक मृदा है जिसे आप रेड सॉयल के नाम से कहते हो, कि लाल मृदा कौन सी है? तो लाल मृदा जो कि कुल मृदाओं का 18.5% है, पहला महत्वपूर्ण, ये दूसरी प्रमुख मृदा है जिसका क्षेत्रफल या जिसका प्रतिशत मात्रा 18.5% है। ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र में तमिलनाडु से लेकर बुंदेलखंड तक
पूरब में राजमहल से लेकर पश्चिम में काठियावाड़ एवं कच्छ तक ये पाई जाती है। आप यहाँ से देख भी रहे कि ये है आपका रेड सॉयल, दिस इज रेड सॉयल, ये है आपका रेड सॉयल है, ये आप रेड सॉयल है, आप यहां से देख रहे हैं। लाल मृदा पश्चिमी भाग ये तमिलनाडु के कुछ भागों में कहाँ है, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, मिर्जापुर, सोनभद्र, राजस्थान के बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एंड आर्कियन ग्रेनाइट के ऊपर विकसित इस मृदा को बहुपरियोजन समूह भी कहा जाता है। इसका रंग मुख्यतः लाल है, इसमें विद्यमान फेरिक ऑक्साइड के कारण है। साधारणतः इस मृदा की ऊपरी परत लाल तथा इसके नीचे की परत का रंग पीलापन भरा होता है। इसकी मृदा संरचना बलुई, चिकनी और दोमट तीनों ही प्रकार का हो सकता है। सन्द्रता, भुरभुरापन इसकी संरचनात्मक विशेषताएं हैं और इनमें कंकड़, कार्बोनेट एवं निम्न मात्रा में लवण होते हैं। यदि हम देखें तो निम्न मात्रा में लवण की उपस्थिति होती है। साधारणतः इस मृदा में चूने, फास्फेट, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, ह्यूमस एवं पोटास की कमी होती है। तीव्र अपरदन लीचिंग इस मृदा की एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि आप लीचिंग अब यहाँ पर देखेंगे तो लीचिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल बेटा, ऊपरी भागों में यदि हम बात करें तो यहाँ पर मृदा बलुई होगी, पथरीली होगी। हाँ जी बिल्कुल बेटा, बलुई होगी, पथरीली होगी, सरंधता भरा एवं हल्के रंग की होती है। इसकी उर्वरता निम्न होती है, लेकिन निम्न मैदानी भागों ये मृदाएं उर्वर दोमट हैं, इनका रंग गाढ़ा होता है, ये गाढ़े कलर की होती है। जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध है इन मृदाओं में गेहूं, कपास, दलहन, तंबाकू, ज्वार, तिलहन, आलू, फलों की खेती की जाती है। ये तीनों मिस जो बेटा आपको ये जो मिट्टी पड़ते समय तीन बिंदुओं पर आपको फोकस करना है, इनका प्रतिशत मात्रा कितना है, दूसरा यहाँ या इनमें कौन सी फसल उगाई जाती है, और तीसरा ये महत्वपूर्ण क्या इसमें ह्यूमस, पोटास, कैल्शियम की प्रचुरता है या इनकी कमी है। तो यदि आपको इन्हीं तीन बिंदुओं पर फोकस रखना है, आपसे क्वेश्चन इसी तीन बिंदु से पूछे जाएंगे। बात क्लियर हो रही है? ओके, नेक्स्ट बिंदु। अगला महत्वपूर्ण जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी, दिस इज ब्लैक सॉयल। काली जो मिट्टी है भारत की तीसरी प्रमुख मृदा है, जिसे रेगुड़, काली कपासी मृदा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल चिनोजम इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इनका विस्तार 50 मिलियन हेक्टेयर में है, ये सकल मृदाओं का 15% है। सबसे ज्यादा मिट्टी किसका प्रतिशत मात्रा किसकी है, आपने देखा जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉयल, उससे कम किसकी है तो आपने देखा रेड सॉयल, और तीसरे स्थान पे अपना नाम अपनी पहुंच बनाए हुए है ब्लैक सॉयल। इनका मूल पदार्थ क्रिटेशियस युगीन अपक्षयित लावा रहा है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जिन बच्चों ने इस बार यूपीएससी सीएससी का एग्जाम दिया होगा यही क्वेश्चन था बेटा, सेम क्वेश्चन यही था कि अपक्षयित लावा रहा है, और यही सीधा सीधा एक बार हमने आपको पढ़ाया भी है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, एंड दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अगले क्वेश्चनों पे हम बात करें, ये गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड इत्यादि राज्यों में फैली हुई है। ये जो हमने विभिन्न राज्य बताया, ये मृदाएं पौढ़ है मिसमेचर अवस्थिति में है। अधिकतर काली मृदाओं में औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर है। मृदाओं का रंग हल्के से लेकर गाढ़ा काला है। साधारणतः इनकी मृदा संरचना दोमट है। इनमें लोहे, चूने, बेसाल्ट, पोटास, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की प्रचुरता है, लेकिन इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की निम्नता पाई जाती है, या इसकी दृष्टि से ये अत्यधिक न्यून है। यहाँ पर यह नमी धारण करने की जो क्षमता है ये भी अत्यधिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा। जो काली मिट्टी है इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक है, और जब ये सूखती है तो स्वयं भुरभुरी हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। उच्च कसाव दृढ़ता आदि गुणों से परिपूर्ण इस मृदा में शुष्कता की स्थिति में दरार पड़ जाती है, जिनकी चौड़ाई 10 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वर्षा काल में इनमें फैलाव होता है, उच्च स्तरीय चिपचिपापन विकसित हो जाता है, और जिस कारण से भीगी हुई स्थिति में इन मृदाओं को जुताई काफी कठिन कार्य है।
ये मृदाएं काफी उर्वरक हैं, काफी मतलब ये देखा जाए उर्वरक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कपास, दलहन, मिलेट, अलसी, तंबाकू, गन्ने, सब्जियों, नींबू आदि की फलों की दृष्टि से उपयुक्त है। एंड नेक्स्ट बिंदु, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मरुस्थलीय डेजर्ट सॉयल। डेजर्ट सॉयल मरुस्थलीय मृदाएं देश की कुल मृदाओं की 4.4% है। इनका विस्तार 15 मिलियन हेक्टेयर है। बेटा आपको यदि ये बिंदु नहीं भी याद है तो काम चलेगा, लेकिन इस बिंदु को आपको याद रखना है कि चौथा सबसे बड़ा जो मृदा का प्रतिशत है वो मरुस्थलीय मृदा है। पहला हमने आपको बताया एलुवियल, सेकेंड स्थान पे हमने आपको बताया रेड सॉयल, थर्ड पोजीशन पे हमने आपको बताया थर्ड जो स्थिति है वो ब्लैक सॉयल की, और फोर्थ डेजर्ट सॉयल। इन मृदाओं का निर्माण शुष्क एवं अर्ध शुष्क स्थितियों में होता है और हवाओं द्वारा निक्षेपित किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल बेटा। एंड नेक्स्ट बात, इनका विस्तार मुख्यतः राजस्थान, अरावली के पश्चिमी, उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, पश्चिमी दक्षिण यदि हम कहें तो पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी भागों में मुख्यतः इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदाएं बलुई से लेकर बजरी नुमा है, जिनमें जैविक पदार्थों की कमी होती है। जैविक पदार्थों की कमी तो होती ही होती है, साथ में निम्न नाइट्रोजन एवं कैल्शियम, निम्न नाइट्रोजन और कैल्शियम कार्बोनेट की विध प्रतिशतता भी पाई जाती है। इनमें जहां घुलनशील लवणों की मात्रा उच्च है, वहीं इनमें आर्द्रता की कमी और नमी को धारण करने की क्षमता भी निम्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पे जो मृदा है, जो मरुस्थलीय मृदा है, इन मरुस्थलीय मृदा में लवणों की मात्रा जहाँ पे उच्च है वहीं पे आर्द्रता की यहाँ पे कमी है, इन मिट्टी में आर्द्रता की कमी है और नमी धारण करने की जो क्षमता है वो भी क्या है, कम है। इंदिरा गांधी नहर से प्राप्त जल द्वारा पश्चिमी राजस्थान की इन मृदाओं का कायापलट हुआ है और मुख्यतः बाजरा, दलहन, ग्वार, चारे और जैसे विभिन्न फसलों की खेती की जाती है जिन्हें जल की निम्न आवश्यकता होती है। यदि हम जल की बात करें तो निम्न आवश्यकता होती है, मीन्स बहुत ज्यादा विशेष आवश्यकता नहीं होती है। एंड नेक्स्ट बिंदु, अगला एक महत्वपूर्ण मिट्टी है जिसे आप लैटेराइट मिट्टी कहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि लैटेराइट मिट्टी आप लोगों को बेटा कुछ हमने आपसे चर्चा किया था। ओके प्रिया यादव एंड सजिदा बानो, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके हमें बताएं बेटा। सजिदा बानो, ओके कुलदीप, गोदान, शिव गणेश सिंह, ओके और सब बच्चे कमेंट करके बताएं बेटा। यहां तक कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं बेटा। एंड सुधांशु कुमार, ओके चलें नेक्स्ट बिंदु पे हम चर्चा करते हैं। लेटराइट मृदा जिसे आप कहते हो, इन मृदाओं का जो प्रथम अध्ययन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता बुकानन, यहाँ पे बेटा बुकानन द्वारा सन 1905 में किया गया था। इनका नामकरण लैटिन शब्द लेटर से हुआ जिसका अर्थ होता है ईंट या ब्रिक। ये लेटराइट जो है, इनका नामकरण लैटिन के शब्द एक लेटर से हुआ है जिसका अर्थ होता है ईंट। ये मृदाएं भीगी हुई स्थिति में काफी मुलायम होती हैं, मक्खन जैसी, आपने मक्खन देखा होगा, मक्खन जैसी ये होती हैं, परंतु सूखने के उपरांत जब ये सूखती हैं तो इनमें कड़ापन की स्थिति आ जाती है, और ये देखा जाए तो क्लोडी हो जाती है, ढेलेदार हो जाती है, और मानसूनी जलवायु मौसमी वर्षा वाली क्षेत्रों की ये एक प्रकार की विशिष्ट मृदा होती है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, एक विशिष्ट मृदा होती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बात क्लियर हो। अगला महत्वपूर्ण ये है, इन मृदाओं का जो निर्माण है, इन मृदाओं का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं की बारंबारता से होने वाली जो सिलिकामय पदार्थों के निक्षेलन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इनमें लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति इसे लाल रंग प्रदान करती है, और इन मृदाओं का जो विकास है वो मुख्यतः पठार के उच्च भागों में हुआ है। जो पठार का उच्च भाग है इसमें हुआ है, निम्न भागों की तुलना में ये मृदाएं उच्च भागों में अपेक्षा की अधिक अम्लीय होती हैं।
लेटराइट जो मृदाएं हैं ये भारत के लगभग 12.2 मिलियन हेक्टेयर में फैली है। भारत की समस्त मृदाओं का 3.7% है। ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? आप देख रहे हैं कि ये मुख्यतः पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियां, सतपुड़ा, विंध्यन, असम की मिकिर पहाड़ियां, मेघालय की गारो पहाड़ियां, यहां सभी इस प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। इन मृदाओं में जहां लोहे एल्यूमिनियम की प्रचुरता है, लोहा और एल्यूमिनियम की प्रचुरता है, वहीं पर नाइट्रोजन, पोटास और इन सब की कमी पाई जाती है। हालांकि इनकी उर्वरता निम्न है, किंतु खाद के पटवन के प्रति इनमें उच्च संवेदनशीलता पाई जाती है। इनमें मुख्यतः चावल, रागी, कोदो, गन्ने और काजू की खेती होती है। एंड नेक्स्ट बिंदु, अगला महत्वपूर्ण जो है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदाएं भारत के लगभग 18.2 मिलियन या 5.5% पर हैं। ये मृदाएं हिमालय की घाटियों में ढलान पर 2700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच प्राप्त होती हैं। ये मृदाएं साधारणता अपौर्ण है, इमेचर है, तथा इनका क्रमबद्ध अध्ययन अभी भी बाकी है। इनकी संरचना को लेकर हम बात करें, इनके गठन को लेकर हम बात करें तो अवसादी धूमर से लेकर धूमर तक है। इनका रंग गहरा भूरा है, मिस ब्राउन कलर का है, डार्क ब्राउन होता है। इन मृदाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक पोडजोल होता है, दिस इज लोमी पोडजोल एंड दिस इज हाई एल्टीट्यूड सॉयल। दोमट पोडजोल हिमालय के मध्य, जो हिमालय, हिमालय जी ये कोई हिमालय है, तो इस हिमालय के मध्य अक्षांश में, इस हिमालय के मध्य अक्षांशीय भागों में जिसमें असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जहां देवदार, चीड़, नील एवं चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। इन मृदाओं का चरित्र अम्लीय है तथा इनमें ह्यूमस की निम्नता है। इन मृदाओं में मक्के, चावल, दलहन, तिलहन, फलियों, फलों और चारे की खेती की जाती है। अगला महत्वपूर्ण है, भारत में वनाच्छादन, ढाल एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर उच्च स्थानीय मृदाओं को भूरी अर्ध या लाल दोमट मृदाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन मृदाओं की उप मृदा सतह बर्फ के अंदर जमी हुई स्थिति में है तथा इनकी मृदा जो प्रक्षेदिका है, जो इनकी सॉयल प्रोफाइल है, वो साधारणता निम्न स्तरीय विकास हो सका है। सभी बच्चों को गुड इवनिंग बेटा। अगला महत्वपूर्ण मृदा है लाल एवं मिस रेड एंड ब्लैक सॉयल। लाल एवं काली मृदाओं का विस्तार एकाकी टुकड़ों में है, जिन्हें बुंदेलखंड एवं अरावली के पूर्वी राजस्थान एवं गुजरात में देखा जा सकता है। यदि आप देखोगे कि बुंदेलखंड का भाग, इन मृदाओं का विकास आर्कियन एवं पूर्वी कैम्ब्रियन काल के ग्रेनाइट, नीस एवं क्वार्टजाइट पर हुआ है। अपेक्षाकृत कम उर्वरक है, यहाँ पे कम उर्वरक परंतु सिंचाई की उचित व्यवस्था के उपरांत इसमें अच्छी उर्वरता पाई जाती है। इन मृदाओं पे जो लाल, यदि हम कहें रेड एंड येलो कह सकते हो बेटा, यहाँ पर इन मृदाओं पे मक्के, बाजरे, ज्वार, दलहन एवं तिलहन की खेती की जाती है। अगला महत्वपूर्ण मृदा है, दिस इज धूसर मृदा, और जिसे हम ब्राउन या भूरी मृदा के नाम से भी जानते बेटा। यहाँ पे धूसर एंड भूरी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार की मृदाएं लिखा हुआ है। इन मृदाओं का निर्माण ग्रेनाइट, नीस एवं क्वार्टजाइट के अपक्षयन के फलस्वरूप हुआ है तथा ये ढीली और भुरभुरी होती हैं, मिस फेरेबल होती हैं। ये जो मृदा है ये फेरेबल होती हैं। इस पर भी आपको इसमें विद्यमान लोहे का जो ऑक्साइड, जिसे हेमेटाइट एवं लिमोनाइट, इसमें लाल, काले एवं फिर भूरे रंग की भिन्नता प्रदान करता है। ये मृदाएं राजस्थान एवं गुजरात में पाई जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण मृदा है उप पर्वतीय मृदा। ये मृदाएं जम्मू कश्मीर से लेकर के और असम तक तराई प्रदेशों में उप पर्वतीय जो भाग हैं उन पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में, एक पट्टियों के रूप में प्राप्त होती हैं। इनका निर्माण शिवालिक जो लघु हिमालय से प्राप्त जो अपरदित पदार्थ हैं, उन अपरदित पदार्थों के अपक्षय से, निक्षेप से हुआ है, और इनका जो मृदय है, इनकी मृदा उपजाऊ होती है। हाँ जी बिल्कुल बेटा, इनकी मृदा उपजाऊ होती है, उन्नत जंगलों के विकास को समर्थित प्रदान करती है। कृषि कार्यों के लिए इन क्षेत्रों में भी की गई जंगलों की कटाई ने यहाँ मृदा अपरदन के संकट को जन्म दिया है। कि आखिर में मृदा अपरदन का जो संकट है, उस संकट को भी इसने क्या किया है, जन्म दिया है। अगला महत्वपूर्ण है, दिस इज लवणीय मृदा एवं क्षारीय मृदा। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति इन मृदाओं की विशेषता है। दिस इज कोशिका क्रिया की भौतिक गतिविधि के कारण इसके लवण इन मृदाओं की सतह पर एक सफेद परत सी बिछ जाती है। देश में इन मृदाओं को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जिसमें रेह,
कल्लर, ऊसर, राकर, थूर, कार्ड, चोपान इत्यादि हैं। ये मृदाएं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये विभिन्न जो राज्यों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल बेटा, एंड दिस इज नेक्स्ट वन। यहाँ पे मक्का, यदि हम कहें इनका मृदा गठन बलुई से लेकर बलुई दोमर तक है। ये जो भारत में मृदा पाई जाती है, इस मृदाओं के हम गठन की बात करें तो ये बलुई से लेकर बलुई दोमट में, हमने आपको याद होगा बेटा, जब हमने आपको मिट्टी का वर्गीकरण बताया था तो मिट्टी के वर्गीकरण में सैंड, टेक्सचर, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीन ही हमने बिंदु बताया था आपको। यहाँ पे इस मृदा का गठन जो है वो और इन तीनों का जब एक निश्चित अनुपात मिलता है तो ये लोम कहलाता है। तो ये इसका जो निर्माण होता है सैंडी से लेकर, मिस बलुई से लेकर सैंडी लोम तक पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी होती है। यदि हम मिट्टी की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी, इसकी नमी धारण करने की क्षमता काफी निम्न है। अपवाह के बेहतर व्यवस्था, जिप्सम एंड चूने के प्रयोग, लवणरोधी फसल जिसमें बरसीम, लैंचा एवं अन्य फलीदार जो फसलें होती हैं, इनकी खेती करके इन अन उपजाऊ मृदाओं को उपजाऊ बनाया जा सकता है। बिल्कुल बेटा, एंड नेक्स्ट बिंदु, अगली महत्वपूर्ण मृदा है जिसे आप पीटमय या दलदली मृदा के नाम से जानते हैं, जिसे पीटी या दलदली सॉयल्स भी कहते हैं। ये मिट्टी वहां पे पाई जाती है जहां पे भारी वर्षा होती है और वर्षा जल का उपयुक्त अपवाह उपलब्ध नहीं है, वहां पीटमय मृदाओं की उत्पत्ति दलदली जिसे कहते हैं। यहाँ वर्षा काल में साधारणता जलमग्न रहती है, इनमें चावल की खेती की जाती है। आपको बेटा हमने बताया था कि चावल की खेती के लिए लगभग 150+ सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है और यही 150+ सेंटीमीटर, हाँ जी बिल्कुल बेटा, जैविक पदार्थों की अधिकता होती है, उच्च लवणीय होती है, लेकिन इसमें फास्फेट एवं पोटास की कमी होती है। मृदाएं मुख्यतः केरल के कोट्टायम एवं अलापुझा जिलों के कुछ हिस्सों तथा सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा के अतिरिक्त ये मृदाएं कच्छ के रण में भी विद्यमान होती हैं, जो कच्छ का रण है। यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पर भी ये विद्यमान होती हैं, कच्छ के रण में भी विद्यमान होती हैं। ओके, हाँ जी बिल्कुल बेटा, एंड नेक्स्ट ईयर हम बात करें, अगला महत्वपूर्ण जो मृदा है जिसे आप करेवा सॉयल्स कहते हो। करेवा सॉयल जो कि कश्मीर घाटी में प्राप्त होती हैं, करेवा मृदाएं सरुवीय निक्षेपों से बनी है, जो सरोवरीय निक्षेप है इन्हीं डिपोजिशन से बनी है, जो कश्मीर की घाटी में, जम्मू मंडल के डोडा जिले की भद्रवाह घाटी में, कश्मीर घाटी और भद्रवाह घाटी में पाई जाती है। ये जो करवा मिट्टी एक अनोखी मृदा है जिसमें ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, आप लिख सकते हैं कि ह्यूमस की एक पर्याप्त मात्रा होती है, ह्यूमस की एक पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है, ह्यूमस की एक पर्याप्त मात्रा विद्यमान होती है। ये मृदाएं चपटी सतहों वाली टीलों के रूप में कश्मीर घाटी की सीमाओं पर फैली हैं। इन मृदाओं का निर्माण महीन गाद, दोमट, बालू, कंकड़ों से हुआ है। यदि इनमें स्तनधारियों के जीवाश्म पीट विद्यमान है, यदि हम भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार बात करें तो पूरी कश्मीर घाटी अभिनूतन काल प्लिस्टोसीन पीरियड, यदि प्लिस्टोसीन पीरियड में जल के नीचे रही थी। हाँ जी बिल्कुल बेटा, एंड आने वाले समय में अंतरजात बलों द्वारा बारामुडा जो गार्ज है इसका निर्माण हुआ और इस झील का जल इसके द्वारा निकासी हुआ। इस झील या सरोवर में निक्षेपित पदार्थों से ही जो करेवा मिट्टी है, करेवा का निर्माण हुआ। जो मिडल मिस के अनुसार करेवा की मोटाई लगभग 1400 मीटर है। वास्तव में करेवा के उच्चावच में अभिवृद्धि हुई है, इनका काट छांट हुआ है, इसमें कोई भी निसंदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है, निसंदेह तौर पे कहा जा सकता है कि इसकी जो करेवा की उच्चावच में अभिवृद्धि हुई है। यदि हम सब एरियल की स्थिति में अनच्छादन द्वारा इनका भारी मात्रा में अपरदन भी हुआ है, उपवायवीय अनच्छादन द्वारा। इनकी वर्तमान स्थिति के निर्माण में झेलम नदी का भी भारी योगदान रहा है। इन मृदाओं पर आज मुख्यतः केसर, बादाम, यहां पर आप देख सकते हैं मुख्यतः की बात करें तो केसर, बादाम, अखरोट, सेब और फलों की खेती। एक बार फिर से बेटा ध्यान समझिए, इन जो ये भारत की मृदा है, इन मृदा जो करेवा की मिट्टी है, इस करेवा की मिट्टी पर बादाम, अखरोट, सेब और फलों की खेती की जाती है।
केसर की खेती वहां के किसानों को अच्छी आय, अच्छी इनकम का एक स्रोत है। ये पालमपुर, पुलवामा और कुलगाम की करेवा मृदाएं जो हैं, करवा जो करेवा मृदाएं उच्च गुणवत्ता वाली केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। हाँ जी बिल्कुल बेटा। अगला एक महत्वपूर्ण है जिसे आप देखें बेटा, हिम क्षेत्र भारत की लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर भूभाग है। 4 मिलियन हेक्टेयर भूभाग बर्फ या हिमानियों से ढका है, जिन्हें हिम पत्र के नाम से, हिम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय की ऊंची चोटियां काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र की मृदाएं यदि देखा जाए तो अपौण है, यहाँ सर्वथा मृदा अपरदन नहीं हुआ। ये मृदाएं वर्ष भर जमी रहती हैं, कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है, जो हिम क्षेत्र का काम होता है। और इस दृष्टि से हम देख रहे हैं, ICAR ने भारतीय कृषि को उनके स्वभाव की दृष्टि से, उनकी विशेषताओं की दृष्टि से निम्न भागों में विभाजित किया है। संयुक्त राष्ट्र कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण हम बताएं तो भारत को प्रति 16 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी के नुकसान के साथ मिट्टी के कटाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा। इस बिंदु को हमें समझाना होगा, प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक जन को समझाना होगा कि भारत में 16 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी के नुकसान के साथ मिट्टी के कटाव की समस्या का सामना करना पड़ा है। मृदा सर्वेक्षण एवं भू उपयोग योजना के राष्ट्रीय ब्यूरो के अनुसार 146.8 ये भूमि अवनति है। पूरे देश में मिट्टी का वार्षिक नुकसान 5.3 मिलियन है, बिलियन टन है। इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के अनुसार 2011-13 में भारत में कुल भूमि का 29.3% अवनति भूमि है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि USDA के अनुसार भारतीय मिट्टी का जो इंडियन सॉयल है, इसका वर्गीकरण निम्न तरीके से किया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसेप्टिसॉल, यहाँ पे जो बच्चे हम लिख दे रहे हैं बेटा इंसेप्टिसॉल, इंसेप्टिसॉल जिसका प्रतिशत मात्रा 39.74 है, ये किसका वर्गीकरण है? USDA का वर्गीकरण है बेटा। USDA का यदि आपसे क्लासिफिकेशन पूछा है तो आपका जवाब होगा कि सबसे ज्यादा मात्रा इंसेप्टिसॉल का है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो एंटीसॉल का है, उससे कम एल्फीसॉल का है, वर्टीसॉल का है, यहां पे आप देख रहे हैं बेटा, एंड एडीसॉल का है, एडीसॉल्स का है, इज द अल्टी, हाँ जी बिल्कुल बेटा, अल्टीसॉल का है, इज द मोलीसॉल का है एंड अदर। तो इस प्रकार यहां पर आप देख रहे हैं कि इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, दिस इज एल्फीसॉल्स, वर्टीसॉल्स, एरिडीसॉल्स, अल्टीसॉल एंड द मोलीसॉल्स, ये विभिन्न, ये किसका वर्गीकरण है? USDA का वर्गीकरण है, USDA ये क्लासिफिकेशन है। ओके बेटा, मनीष कुमार एंड शिव गणेश, ओके यहां तक बेटा। तो इस प्रकार ये सेशन आज आपका कंप्लीट होता है। सभी बच्चे बेटा, जिन भी बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है, हमारा कोड है BIPIN10, BIPIN10 BIPIN10 के तहत आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें तथा ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दें। ओके थैंक यू बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं।